हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की अब खैर नहीं, योगी सरकार के ऑर्डिनेंस को गवर्नर ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित CAA दंगाइयों के पोस्टर हटाए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 लेकर आई। इस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है और अब यह ऑर्डिनेंस अगले 6 महीने के लिए कानून बन चुका है। दोस्तों योगी सरकार को इसे स्थायी रूप से लागू करने के लिए अब विधानसभा और विधान परिषद से रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2020 पास करवाना होगा। दोस्तों योगी सरकार को यह कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा था कि लखनऊ में कथित CAA दंगाइयों के पोस्टर किस नियम के तहत लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने लखनऊ के चौराहों से पोस्टर हटाए जाने का आदेश दिया था। इस फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार से पूछा कि किस नियम के तहत लखनऊ में कथित CAA दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच में भेजने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राहत, फरवरी में थोक महंगाई घटी, खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिली है। दोस्तों फरवरी माह में थोक महंगाई दर जनवरी के 3.1% से घटकर 2.26% पर पहुंच गई है। महीने दर महीने के आधार पर फरवरी में थोक खाद्य महंगाई दर जनवरी से 10.12% से बढ़कर 7.31% रही है। वहीं दोस्तों प्राइमरी आर्टिकल की थोक महंगाई दर जनवरी 10.01% के मुकाबले 6.71% रही है, यानी कि सब्जियों की महंगाई थोड़ी कम हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बैंक घोटाले पर राहुल गांधी का केंद्र से सवाल, अनुराग ठाकुर बोले कुछ लोग अपने पाप दूसरों पर मरना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैंक घोटालों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से बैंक लूटने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने केंद्र से पूछा कि देश में 50 बड़े बैंक डिफॉल्टर कौन है, पीएम मोदी उनके नाम बताए जिन्होंने बैंक लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करे। दोस्तों राहुल गांधी ने सवाल किया कि पीएम कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है तो उनको वापस लाऊंगा। पीएम से 50 नाम पूछे लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। वहीं दोस्तों बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें डिफॉल्टरों के नाम चाहिए तो वह वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यस बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर, इस बुधवार से शुरू हो जाएगी सारी बैंकिंग सेवाएं। जी हां दोस्तों, संकट से जूझ रहे यस बैंक को पटरी पर लाने के लिए लागू हुए नए प्लान के बाद अब यस बैंक खाताधारकों के लिए एक राहत की खबर है। बैंक ने कल ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि खाताधारकों के ऊपर से बैंक ने सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। यानी कि दोस्तों 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद ग्राहक अपने खाते से सामान्य लेन देन कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, खाताधारक बैंक की सभी 1132 शाखाओं से लेन देन कर सकेंगे। दोस्तों 5 मार्च 2020 को शाम 6 बजे से RBI द्वारा यस बैंक डिपोजिट से विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपए तय कर दी थी। इसके बाद से ही यस बैंक का कोई भी ग्राहक किसी भी माध्यम से न तो पैसे ट्रांसफर कर पा रहा था और ना ही ATM से कैश निकाल पा रहा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अब दिल्ली में स्विमिंग पूल, जिम, नाइट क्लब, स्पा भी 31 मार्च तक बंद, 50 से अधिक लोग न हो इकट्ठा, ऐसा है आदेश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यदि दिल्ली में संक्रमण का तेजी से प्रसार होता है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, शादी को एक्सक्लूड किया गया है, हो सके तो शादी की डेट को पोस्टपोन कर दें। सोमवार को जिम, नाइट क्लब, स्पा को भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इससे पहले स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि 500 से अधिक बेड के हॉस्पिटल में इससे निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि मैं अनुरोध और प्रार्थना करता हूं आपसे कि इन सब से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश विधानसभा में
फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी, कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को विधानसभा में राज्यपाल लालजी टंडन का अभिभाषण हुआ। इसके तुरंत बाद विधानसभा 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दायर इस याचिका में अगले 48 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। SBI कार्ड IPO इशू प्राइस से नीचे खुला शेयर, 661 रुपए पर हुआ लिस्ट। जी हां दोस्तों, सोमवार को SBI कार्ड्स का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया। SBI कार्ड का IPO 12% की गिरावट के साथ 661 रुपए पर लिस्ट हुआ। हालांकि दोस्तों IPO का बेस प्राइस 750-755 रुपए था। मार्केट के हालात को देखते हुए निवेशकों को इसके नीचे ही खुलने की उम्मीद थी। निवेशकों को SBI कार्ड के IPO से निराशा ही हाथ लगी है। दोस्तों इसका IPO 2 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। 5 मार्च तक इसे सब्सक्राइब करने का समय दिया गया था। निवेशकों को इस IPO से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि इसे भारतीय मार्केट का इस साल का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बदल गए हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े रूल्स, RBI बंद कर रहा है कई बैंकिंग सर्विसेज। जी हां दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन्स को और आसान तथा पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्डों में कई सारे नए नियम जोड़े हैं और कई सारे पुराने नियम हटा दिए हैं। दोस्तों जिन लोगों के पास अभी कार्ड है उन्हें तय करना होगा कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शंस को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को डिसेबल कर दें तो आप अब कर सकेंगे, यह सुविधा आपको दे दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 16 मार्च 2020 तक ऑनलाइन या कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यह सुविधा बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन जरूर कर लिया जाए। इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। दोस्तों RBI ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट क्रेडिट कार्ड इश्यू करते समय उन्हें केवल देश में ATM और पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल पर ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करें। नए नियम के अनुसार अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ ATM और POS टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर ग्राहकों को विदेश में ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की सेवा चाहिए तो उसे यह सुविधा अपने कार्ड पर अलग से लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको विदेश में जाना है या फिर ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सुविधा चाहिए तो आपको यह सुविधा अलग से बैंक के माध्यम से लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अपडेट टुडे। अगले 24 घंटे में इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना, कई शहर होंगे प्रभावित। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों देश का मौसम अभी खराब बना हुआ है, बेमौसम बारिश के चलते कई राज्य प्रभावित हुए हैं। इस सप्ताह बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को तो नुकसान हुआ ही है, लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ा है। दोस्तों खतरा अभी भी टला नहीं है। मौसम के जानकारों के अनुसार, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार, अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश जारी रहेगी। 4 राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है, अन्य स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में मौसम से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। यहां बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रहने की संभावना है। साथ ही दोस्तों 4 राज्यों में भारी बारिश की आशंका है, इनमें छत्तीसगढ़, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल है। हरियाणा के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अन्य राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, 70 रुपए के नीचे आया पेट्रोल का भाव, जानिए आज के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 5वें दिन गिरावट आई है। दोस्तों आज पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर तक की कमी दर्ज की गई। वहीं डीजल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर
तक सस्ते कर दिए हैं। दोस्तों दिल्ली में बात करें 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.79 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए आज के सराफा भाव। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावटों का दौर जारी है और इसका असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों निवेश के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले सोने के दाम में पिछले एक हफ्ते के अंदर भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों आज 10 ग्राम सोने की कीमत 42,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 47,810 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, जल्दी से कर लें यह काम वरना 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा। जी हां दोस्तों, बीते 28 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को एक साल पूरे हो गए थे। इस योजना के तहत देश के हर किसान को 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद दी गई। दोस्तों यह मदद 2,000 रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इस रजिस्ट्रेशन में बैंक खाते को आधार संख्या से भी लिंक कराना होता है। इस योजना के तहत देश भर के 14 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक मदद देने का टारगेट रखा गया है। हालांकि दोस्तों भारत के तमाम हिस्सों में आधार संख्या को लिंक कराने की तारीख खत्म हो चुकी है। 1 दिसंबर 2019 तक सभी किसानों को अपना आधार रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों के लिए अपने खाते आधार कार्ड से लिंक कराने का समय 31 मार्च तक है। यानी कि दोस्तों 31 मार्च तक जो किसान अपना पीएम किसान खाता आधार संख्या से लिंक नहीं करवा पाएगा उसे इस योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का अर्थव्यवस्था के मामले में ऊपर से क्रम तो जल्दी से वह संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।